यस स्टूडेंट्स, दिस इज अनुमान मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई मैग्निफिकेशन और ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या चीज़ें होती हैं, जो मतलब न्यूमेरिकल आते हैं एक तरीके से, वो न्यूमेरिकल को अगर अपन सोल्व करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फर्स्ट आ रहा है जैसे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है, इसको समझने के लिए हमें ग्राफ आना चाहिए। अब ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको हमारी 10th की जो क्लास होती है उसमें जो चैप्टर हमने कराए थे ग्राफ वाले, उसमें आपको समझाया था। फिर जो मैं एक बार वापस से देख लें, जैसे कि अपन ने क्या कर रखा है, ये ड्रॉ कर रखा है इस तरीके से ग्राफ, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बीच में होता है ओरिजिन। ओरिजिन से अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो फिर अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की। अगर राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव। इसमें भी वही चीज़ ध्यान रखनी होती है हमें, ठीक है ना। तो इसमें भी हमें वही चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव। लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव और राइट साइड में जा रहे तो पॉजिटिव। अब प्रॉब्लम ये आती है कि किसके लेफ्ट में जाएंगे और किसके राइट में जाएंगे। तो हमारे पास क्या होता है, बीच में होता है पोल, जिसको ओ बोलो या पी बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। तो ये पी से अपन ने रिप्रेजेंट कर रखा है पोल को, ये हो गया हमारा पोल, ठीक है ना। तो अगर पोल के इस तरफ से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर अपन ने मेजर किया है तो फिर वो डिस्टेंस होगा पॉजिटिव। अगर यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, ओके, यहाँ है मान लिया मैंने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, तो वो नेगेटिव मेजर किया जाएगा क्योंकि पोल के अपन नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, ठीक है। अगर अपन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से लेकर के ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं तो फिर वो पॉजिटिव मेजर किया जाएगा। अगर अपन किसी का डिस्टेंस ऊपर से लेकर नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव मेजर किया जाएगा। ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो सीधी रखी जाती है हमेशा ऑब्जेक्ट को, तो फिर ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव में मेजर की जाएगी। इमेज हमेशा नीचे की तरफ बनती है, अगर रियल बन रही है तो फिर उसको हमेशा नेगेटिव में मेजर किया जाता है हाइट को, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें होती है जो हमें ध्यान रखनी होती हैं जब अपन बना रहे होते हैं डायग्राम। तो उसके और हमें आपको जो अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा वो सोल्व करना है तो ये चीजें आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब आ रहा है हमारे पास कि भाई यू वी और एफ क्या होते हैं, तो इनको भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखें इसके लिए, जैसे अपने पास ये डायग्राम बना हुआ है तो मान लिया मैंने कि ये है अपना F पॉइंट और यहाँ पड़ी है अपनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और जो इमेज है लगभग बन रही है अपनी यहाँ पे, जिसको नेगेटिव मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पे बोल रखा है कि भाई पोल से जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, यानी कि पोल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ये कैसा है U, इसको क्या बोला जाएगा U। फिर अपन बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल, पोल से इमेज का डिस्टेंस ये जो होगा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है V से। पोल से इमेज तक का डिस्टेंस जो क्या है V, एक्चुअली मेजर यहाँ P तक किया जाएगा। तो अपन देख लें P के रेस्पेक्ट में अपन कहाँ आ रहे हैं, यहाँ तक होगा, ठीक है ना। ये चीज तो हो गई क्लियर। फिर आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अपन जानते हैं F पॉइंट से P पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती हैं, इन्हीं के बेसिस पे अपन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाते हैं। ये आना बहुत जरूरी है, जैसे अपन नॉर्मल ग्राफ में यूज करते हैं उस तरीके से यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो नेक्स्ट अब उसके पास अपने पास टॉपिक आता है कि मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल बनते हैं तो मिरर फॉर्मूला ही हमें उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u। f क्या है, फोकल लेंथ, फोकस से लेकर के पोल तक के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो होता है फोकल लेंथ। v ऑब्जेक्ट से जो बन रही है इमेज, उस इमेज का पोल से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होता है v। u क्या होता है, पोल से लेकर के जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होता है u, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। मतलब ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। आज न्यूमेरिकल्स की बात की जाएगी मैं, फिर देखें मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या चीज होती है, मैग्निफिकेशन जैसे आपने मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम सुना होगा, वर्ड उससे ही बना है ये।
मैग्निफिकेशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट बड़ी हो रही है या उसकी इमेज जो है वो बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है, तो वो होता है मैग्निफिकेशन। तो देखें सी देखें द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट और उसकी इमेज की हाइट यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होगा वो होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू माइनस के वी अपॉन यू एच डैश अपॉन एच, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस हाइट जो अपने डिस्टेंस है इमेज का, इमेज डिस्टेंस बोल सकते हैं इसको, अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, इसी के बेसिस पे हम यदि हमारा एक न्यूमेरिकल आएगा उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, अब ये कुछ केसेस बन जाते हैं कि हम पॉजिटिव होगा तो क्या कंडीशन होगी, हम नेगेटिव होगा तो क्या कंडीशन होगी। देखिए इफ एम इज नेगेटिव, अगर एम नेगेटिव होता है एंड दूसरी कंडीशन है कि v u से बड़ा है, v मतलब क्या है इमेज का डिस्टेंस, इमेज दूर बन रही है पोल से और ऑब्जेक्ट क्या है पास में है, तो देन इमेज इज रियल, तब इमेज क्या होगी रियल होगी इन्वर्टेड होगी और मैग्निफाइड होगी। तो देखें अगर क्या है n की वैल्यू अपन सॉल्व करने पे नेगेटिव निकाल लेते हैं, आपको पता है नेगेटिव है और जो इमेज है पोल से ज़्यादा दूर है और ऑब्जेक्ट क्या है पोल के पास में है, इमेज दूर बन रही है, देन इमेज इज रियल, तो इमेज कैसी मानी जाएगी रियल होगी इन्वर्टेड यानी उल्टी होगी और मैग्नीफाइड होगी, ठीक है, मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी होगी। फिर अपन देखें नेक्स्ट कंडीशन एम इज नेगेटिव, एम तो नेगेटिव ही है और वी और यू इक्वल है, मतलब कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का पोल से है उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इमेज का पोल से है, देन इमेज इज रियल, कुछ टाइम इमेज रियल होगी इन्वर्टेड होगी और इक्वल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल होगी। ये कंडीशन एक ही जगह होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा है तो उसी के नीचे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन जाती है, ये अपन देख चुके हैं इमेज फॉर्मेशन में। इफ एम इज नेगेटिव, अगर एम नेगेटिव है वी छोटा है यू से, यानी कि इमेज का डिस्टेंस पोल से कम है और ऑब्जेक्ट क्या है बहुत दूर रखी हुई है, इसका मतलब इमेज क्या होगी इमेज इज रियल, इमेज रियल तो बनेगी इन्वर्टेड भी बनेगी लेकिन ऑब्जेक्ट से इस बार क्या होगी छोटी बनेगी, ठीक है। तो एम इज पॉजिटिव, अगर एम पॉजिटिव हो जाता है तो एम पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें कंडीशन होती नहीं है एम पॉजिटिव की, तो देन इमेज विल बी वर्चुअल, तो क्या हुआ इमेज कैसी होगी हमारे पास वर्चुअल, इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, यानी कि इमेज वर्चुअल बनेगी इरेक्ट बनेगी सीधी बनेगी और मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो बात ही हमारे कि भाई मैग्नीफिकेशन के कुछ केसेस की, अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल की। देखें द फेस, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, द फेस ऑफ ए पर्सन इज 20 सेंटीमीटर अवे, यानी कि किसी आदमी का फेस जो है 20 सेंटीमीटर दूर है शेविंग मिरर से, मतलब मिरर तो क्या हो गया अपने पास एक कॉनकेव मिरर हो गया, उससे दूर है 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि उसका फेस हो गया वो है 20 सेंटीमीटर दूर। देखो डायग्राम बना लेते हैं, समझने के लिए डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है कि और अपन समझने के लिए बना रहे हैं, ये है 20 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दूर है 20 सेंटीमीटर यहां से मिरर से, ठीक है ना। तो इस तरीके से दे रखा है, फिर दे रखा है फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ तो बहुत ज्यादा पीछे है, तो यहां पे लगभग मान लेते हैं अपन एफ होगा अपना और ये डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर है। फिर आगे दे रखा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज कहां बन रही है कैसे बन रही है वो निकालो फ्रॉम द मिरर, मिरर से एंड एम और एम फाइंड करो, ये पता करना है हमें। तो क्या करना होगा, एक तो यू दे रही है हमें कैसी है माइनस के 20, माइनस क्यों हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट को अपन ने पोल के लेफ्ट हैंड साइड में रख रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो माइनस में आता है, एफ बी यानी फोकल लेंथ वो भी लेफ्ट हैंड साइड में मेजर की जा रही है तो माइनस के 80 होगी, वी
इमेज कहाँ बन रही है उसकी वैल्यू आएगी, वो अपन सोल्व करके निकालेंगे, और मैग्निफिकेशन उसको भी सोल्व करके निकाला जाएगा। तो सोल्व करते हैं, 1 अपॉन एफ यानी कि 1 अपॉन माइनस के 80 इक्वल 1 अपॉन बी फाइंड करना है प्लस 1 अपॉन यू की वैल्यू है माइनस के 20। सोल्व कर रहे हैं तो 1 अपॉन माइनस के 80 ये इक्वल 1 अपॉन बी, ये प्लस माइनस माइनस हो गए 1 अपॉन 20, ठीक है ना। 1 अपॉन 20 को इधर ट्रांसफर करा देता हूँ मैं, 1 अपॉन माइनस नीचे ऊपर चला जाएगा प्लस 1 अपॉन 20 बन जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये 80 है तो 80 और 20 का एलसीएम लिया जाएगा, तो हमारे पास एलसीएम आ रहे हैं 80, ठीक है। 80 का डिवाइड 80 में 1 टाइम 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 आ रहे हैं, तो माइनस के 1 प्लस 20 की टेबल में 80 कितने टाइम में आते हैं 24 जा 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 इक्वल टू 1 अपॉन बी, तो अपने पास आ रहे हैं यहाँ पे 3 अपॉन 80 इक्वल टू 1 अपॉन वी, वी की वैल्यू निकालनी हमें तो 80 अपॉन 3 आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गए वी की वैल्यू 80 अपॉन 3। अब वी की वैल्यू 80 अपॉन 3 आ गई है तो अब हमें क्या निकालना है, इसको डिवाइड कर करके आप पॉइंट में वैल्यू निकाल सकते हैं वी की। फिर निकालना है एम, एम का फॉर्मूला होता है माइनस के वी अपॉन यू, तो वी की वैल्यू क्या है 80 अपॉन 3 आगे माइनस है अपॉन यू कितना है अपने पास माइनस के 20, तो ये माइनस के 20। सॉल्व करते हैं माइनस 80 अपॉन 3 माइनस से माइनस को कट हो रहे हैं वैसे हटा देते हैं और ये इनटू 20 24 जो यानी कि 4 अपॉन 3, तो देखिए क्या आ रहे हैं हमारे पास 1.33 अप्रोक्स आ रहे हैं। तो ये एम क्या हो गई अपनी पॉजिटिव हो गई, यानी कि एम पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है वर्चुअल यानी काल्पनिक है, तो इसके पीछे की साइड बनेगी, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे आप लोग बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करें, और जो न्यूमेरिकल्स बच रहे हैं उनको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो वापस से एक बार पूछ लें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज की क्लास हमारी यही उम्र होती है, बाकी जो आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।